शाजापुर की श्रीमती कलाबाई बामनिया ने बताया कि प्रेम नारायण वर्मा नामक युवक ने 1,00,000 रुपए लेकर उन्हें संतोष कुमार जाटव से 10,00,000 रुपए में मकान क्रय करने का सौदा करवाया था और 3 माह की अवधि का अनुबंध करवाया था। इस बीच की अवधि में उनके द्वारा होम लोन प्राप्त करने के लिए शाजापुर स्थित राज राजेश्वरी होम लोन संस्था संचालित करने वाले हेमंत योगी को 60,000 रुपए जमा कराए। इन्होंने अन्य कंपनी के नाम से 5,61,000 रुपए के चेक बनाकर मकान मालिक को व्हाट्सएप पर भेजे। वास्तविक रूप से ना तो चेक मिले ना ही भुगतान प्राप्त हुआ। फिर श्रीमती कलाबाई ने कलेक्टर श्री दिनेश जैन को आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने के अपर कलेक्टर श्रीमती मंजुषा विक्रांत रॉय को निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने शाम तक आवेदिका को हेमंत योगी से 50,000 रुपए वापस दिलवा दिए। साथ ही थाना प्रभारी को बुलाकर जालसाजी करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से श्रीमती कलाबाई एवं उनका परिवार प्रसन्न होकर प्रशासन को धन्यवाद दे रहा है। सुबह कलेक्टर ऑफिस में आए, हमारी शिकायत लेके होम फाइनेंस लोन वाली कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया था, तो इसलिए हम कलेक्टर सर के पास शिकायत लेके आए थे, जिसका निराकरण आज हमने कर दिया। आज के आज ही हमने उनको 60,000 दिए थे, जिसमें से उन्होंने 50,000 वापस कर दिए और उनके फ्रॉड कंपनी का जो एजेंट है उसको मोबाइल भी जब्त कर लिया। हम बहुत खुश हैं उनकी कार्रवाई से और दुआ करते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जिंदगी में।